और बाकी सब स्टीरियो वगैरह टोटल तामझाम जितना भी होता है सब कुछ ये आप लगा लो 70-80 हजार में आपको टॉप का बन जाएगा। 70-80 हजार रुपए में टॉप टॉप का बन जाएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पिलर लाइट्स की। तो भाई पिलर लाइट्स ये अपने दो स्पीकर आते हैं इसमें और फिलहाल इंस्टॉलिंग चल रही है यहाँ भाई इसकी की जो कि अपनी चेंज कर दी है। इसमें सेंटर लॉकिंग और अपना जो बाकी क्रोम हैंडल अपने लग चुके हैं चारों तरफ। पावर विंडो भाई इसमें इंस्टॉल हो चुकी है जैसे कि आपको दिख रहा होगा और हाइपरसोनिक का और परफॉर्मेंस आप देख लो भाई ये 232 में आता है अपना। सो हेलो गाइज वेलकम बैक टू दी चैनल। तो कैसे हो सारे के सारे। तो भाई आज हमारे पास खड़ी है अपनी बेस मॉडल स्विफ्ट जैसे कि आपको व्हील कैप से पता लग गया होगा ठीक है। तो बाकी भाई काफी सारा काम इसमें गाड़ी में होने वाला है। ये होने वाली है अपनी बेस टू टॉप जैसे कि आपको पता होगा क्योंकि गाड़ी तो बिल्कुल खाली आती है जो बेस आती है आपको दिख रहा होगा पूरी गाड़ी फिलहाल खुली पड़ी है। एक बार पीछे से दिखा देता हूँ। तो भाई कुछ ये सीन हुआ पड़ा गाड़ी के साथ और देख के आप डर जाओगे अभी फिलहाल लेकिन इसमें अपना काफ़ी सारा काम होने वाला है। तो जो जो काम होगा जैसा जैसा काम होगा वो आपको सारा काम दिखाऊंगा विद रेट के साथ। तो करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट बिगर किसी देरी के लेट्स गो। तो मैंने आपको बताया था कि मतलब अपनी गाड़ी पूरी खुल चुकी है तो सबसे पहले देख लो भाई हाइपरसोनिक का अपना ये होने वाला है 232 में और इसकी परफॉर्मेंस वगैरह भी मतलब ठीक ठाक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी अपना फ्लोरिंग का काम भी पूरा हो गया जैसे कि आपको दिख रहा होगा फ्लोरिंग का कपड़ा एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ऐसा कुछ भाई ये कपड़ा होता है और ये सिला हुआ होता है पूरा। इससे ये बेनिफिट रहता है कि जैसे पानी वानी चला जाता है ना गाड़ी में तो जैसे नीचे से गलने वलने का खतरा भाई बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और गाड़ी अंदर से गंदी भी नहीं होती है ना। तो ये प्रॉपर हो चुकी है अपनी। उसके बाद भाई स्पीकर के लिए देखो जगह बनाई जा रही है। बाकी अपनी पावर विंडो का सामान अपना ये रखा सेंटर लॉकिंग और पावर विंडो और ये अपनी होने वाली है भाई ऑटो कैरन की आपने देख भी लिया होगा। बाकी अभी जो जो काम होता जाता है ना वो काम मैं आपको दिखाता हूँ और पूरी कॉस्टिंग पूछेंगे अपने ललित भाई से क्योंकि अपनी गाड़ी खड़ी है ललित कार एसेसरीज पर। और अभी फिलहाल जो काम चल रहा है वो चल रहा है अपना भाई देखो रैपिंग का जैसे कि आपको दिख रहा होगा स्टेयरिंग पर भाई अपनी रैपिंग वगैरह अभी फिलहाल चल रही है। बाकी एक बार देखो अंदर की तरफ चल के मैं आपको दिखाऊंगा जब अपनी गाड़ी जो है कंप्लीट हो जाएगी है। जैसे कि भाई अपनी टेल लाइट्स वगैरह जो है ओपन हो गई थी तो आपने देखा होगा खुली पड़ी है फिलहाल। तो इसमें से भाई अभी अपना वायरिंग का काम चलने वाला है जो कि अपना लगेंगी भाई पिलर लाइट यहाँ पे अभी इंस्टॉल होंगी। जब भाई इंस्टॉल करेगा जब मैं आपको दिखाता हूँ क्या सीन होता है क्या नहीं। बाकी पिलर लाइट एक बार मैं दिखा देता हूँ। पिलर लाइट अपनी कुछ ऐसी होने वाली है देख लो और ये लगने के बाद अलग लुक देगी बिल्कुल। उसके बाद भाई कुछ ऐसी लगेगी और इसकी वायरिंग वगैरह जो होगी ना वो टेल लाइट के साथ होगी और उसमें कोई कपलर वगैरह कोई कटिंग कुछ नहीं होता है ना भाई। बिगर कटिंग के सीन होता है कपलर टू कपलर सेट हो जाएगा मामला। और बाकी अभी अंदर की तरफ अपना काम चल रहा है जैसे कि सीट कवर वगैरह आपको दिख गए होंगे। सीट कवर अपने प्रॉपर जो तैयार हो चुके हैं और इसकी प्राइसिंग वगैरह भी ललित भैया से पूछेंगे। बाकी फ्रंट में भी भाई अपने सीट कवर देख लो आप एक बार मैं दिखा देता हूँ ठीक है और क्वालिटी आप देख ही सकते हो। बाकी भाई उस तरफ अपना पावर विंडो का काम चल रहा है और इस तरफ भी अपना पावर विंडो का काम चल रहा है। और पावर विंडो होने के बाद पूरा गाड़ी का लुक दिखाता हूँ आपको एंड में। बाकी पिलर लाइट का भाई लुक कुछ ऐसा आने वाला है अपना एक बार देख लो। तो कैसा लगा भाई अपना पिलर एक तरफ का सेटअप हो चुका है एक तरफ का रह रहा है अभी एक तरफ का और सेट हो जाएगा उसके बाद मैं आपको दोनों को जला के दिखाता हूँ। तो फिलहाल भाई अपना इंस्टॉल हो रहे हैं JBL के अपने 350 वॉट मैक्स पावर। ये अपने दो स्पीकर आते हैं इसमें और फिलहाल इंस्टॉलिंग चल रही है यहाँ पे। और जैसे कि अपनी बेस वेरिएंट गाड़ी थी तो भाई इसमें रिंग वगैरह भी जो है बाहर से भाई आफ्टर मार्केट ही डलवानी पड़ती है। उससे फ़ायदा ये रहता है एक तो पानी वगैरह नहीं जाता दूसरी चीज़ गलती नहीं है जल्दी से तो ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है। बाकी लगने के बाद अपना स्पीकर कुछ ऐसा दिखेगा एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको। तो भाई ये देख लो प्रॉपर अपना सेट हो जाता है कोई दिक्कत नहीं है। बाकी भाई डोरों के जो पैनल हैं वो आने वाले हैं और उसमें सेट होगी अपनी पावर विंडो जो कि पावर विंडो के साथ ही आएंगे। बाकी भाई जैसे जैसे बोलेंगे वैसे वैसे करवा देते हैं। बाकी भाई अपनी स्विफ्ट के लिए जो है जो साइड वाले जो डोर वाले गत्ते हैं वो आ चुके हैं अपने प्रॉपर टॉप वेरियंट वाले। और ये भाई टॉप एसेसरीज होती है जो मतलब कंपनी से जो अपना सामान वगैरह आता है ना प्रॉपर वही होती है। और ये बस अपना ये सीन रहता है कि इसमें प्राइस वगैरह आपको ठीक ठाक मिल जाएगा अगर आप शॉप वगैरह से लोगे। बाकी अभी इंस्टॉल होने के बाद मैं दिखाता हूँ। देखो इसमें पावर विंडो पहले से ही इंस्टॉल्ड है और ये पूरा का पूरा फ्रेम चेंज होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं पिलर लाइट्स की। तो भाई पिलर लाइट्स से लुक भाई गाड़ी का कुछ ऐसा आता है एक बार आप देख लो।
और बाकी पीछे की तरफ अपना कैमरा वगैरह जो है HD कैमरा जो होता है वो अपना इंस्टॉल हो चुका है, वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। ये हो चुका अपना कैमरा इंस्टॉल। इसमें नॉर्मली कुछ नहीं होता, बस बम्पर में छोटा सा छेद होता है और भाई उसी में ही ये जो है इंस्टॉल हो जाता है। भाई अपनी कार का जो काम है वो प्रॉपर अपना हो चुका है स्विफ्ट का, जो कि अपने पास बेस वेरिएंट आई थी जैसे आपको पता। और सबसे पहले मैं दिखाना चाहता हूँ भाई इसकी की, जो कि अपनी चेंज कर दी है। इसमें सेंटर लॉकिंग और अपना जो नॉर्मली ऑन ऑफ का काम करता है वो सारा सीन होने वाला है इसमें। एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। बाकी की एक बार आप क्वालिटी देख लो, ब्रांडिंग मिल जाएगी अपनी मारुति की। और उसके बाद बाहर से बात करते हैं, जैसे कि अभी भाई ने एलॉय वगैरह छुड़वा दिए हैं, बाकी जितना भी अपना टॉप एंड काम है वो सारा काम गाड़ी में हो चुका है एक मीटर को छोड़ के। तो सबसे पहले फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। जैसे साइड में आपको दिख रहा होगा, साइड में अपने जो है डोर वाइजर वगैरह जो है इंस्टॉल हो गए हैं प्रॉपर स्विफ्ट के, और बैजिंग वगैरह आपको यहाँ पे दिख जाएगी। एक बार मैं दिखा देता हूँ पास ले जाके। और क्रोमिंग का वर्क भी अपना टोटल जितना होना चाहिए था उतना भाई हो चुका है। और बाकी आपको देखने में भाई लगी रही होगी कि हाँ कि टॉप मॉडल के सामने मैं खड़ा हूँ, है ना, तो ऐसी फील आएगी। बाकी क्रोम हैंडल अपने लग चुके हैं चारों तरफ। उसके बाद एक बार चलते हैं जरा गाड़ी के अंदर। तो फिलहाल भाई आ चुके हैं अपनी गाड़ी के अंदर, जो हमने स्विफ्ट अपनी बेस टू टॉप तैयार करी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं पावर विंडो की। तो पावर विंडो भाई इसमें इंस्टॉल हो चुकी है जैसे कि आपको दिख रहा होगा, और ये भाई फुल्ली वर्किंग है, ठीक है। और बाकी अपने ऑनर बैठे हुए हैं जो शॉप के ऑनर है अपनी ललित कार एसेसरीज के, अपने ललित भैया। तो कैसे हो भैया? बहुत बढ़िया बढ़िया। और बताइए। फर्स्ट क्लास भैया, ये गाड़ी हमने बनाया है। हाँ हाँ। बजट थोड़ा लो था। अच्छा, मैंने बोला कि मेरे को 40-42 से ऊपर खर्च नहीं करना है। अच्छा, 40-42 से ऊपर खर्च नहीं करना, तो इतने में जो जो हो जाएगा वो मैं करवा लूंगा। हमने लगा दी एक सीट कवर लगा दी है। देखो सीट कवर की क्वालिटी मैं पहले भी दिखा चुका हूँ और एक बार आप दिखा देता हूँ। सीट कवर आप देख सकते हो, पीछे भी देख सकते हो। बाकी जितने भी स्पीकर वगैरह के जितने भी बॉक्स थे हमने भैया को दे दिए। बाकी देख लो एक बार, फिटिंग वगैरह देख लो, स्ट्रेचिंग वगैरह देख लो, प्रॉपर अपने बकेट वाले होने वाले हैं। और स्टेयरिंग कवर तो भाई तुम्हें पता ही है, बिल्कुल मैचिंग का, जैसे पहले भी चला था और अब भी चल रहा है ना। उसके साथ साथ मैंने आपको ये भी दिखाया था कि पूरी में अपनी फ्लोरिंग हो रखी है, पूरी गाड़ी में अपनी में फ्लोरिंग हो रखी है। क्वालिटी मैंने दिखा दी थी आपको। बाकी अपने मैट्स वगैरह भी इंस्टॉल हो चुके हैं, मैं दिखा देता हूँ एक बार। ये अपने 70 मैट्स है ना भैया? तो भैया इनकी कॉस्टिंग क्या आ जाती है 70 मैट्स और फ्लोरिंग की? 1500 से स्टार्ट हो जाता है जी, आपको 3,350 तक जाता है जी। और फ्लोरिंग? फ्लोरिंग हमारे 1200 से स्टार्टिंग है, और हाई क्वालिटी लोगे तो आपको आएगा 3000 खर्चा। 3000 रुपए का खर्चा। बाकी बात कर लेते हैं अपने, देखो ये सबसे मेन चीज होती है गाड़ी में, टच स्टीरियो हमें लगा दी हाइपरसोनिक। हाइपरसोनिक का और परफॉर्मेंस आप देख लो भाई, ये 232 में आता है अपना, और काफी मतलब ठीक ठाक परफॉर्मेंस है ना भैया। हाँ, तो इसकी रेंज वगैरह कितने से स्टार्ट होती है? सर हाइपरसोनिक हमारे पास 7500 से स्टार्टिंग है। 7500 से स्टार्टिंग है जी, जी। और एंड कितने तक का है इसमें? 1.5 लाख रुपए तक का आता है। अच्छा, 1.5 लाख तक का आता है, कोई भी गाड़ी में लगवा लो, जैगवार मर्सिडीज। जैगवार मर्सिडीज का इतना खर्चा है ना, जैगवार मर्सिडीज वगैरह में सब में इंस्टॉल हो जाता है। बाकी दो काम भाई ने छुड़वा दिए, जो की इसका मीटर और अपना एक स्टेयरिंग था, एक साइड मिरर का काम था, है ना भैया? बजट नहीं था, बजट नहीं था। बाकी अपनी एक बार मैं आपको की भी दिखा देता हूँ यार। देखो की अपनी कुछ ऐसे तैयार हुई है, और इसमें भाई ने पावर विंडो के साथ साथ अपना जो मेन वर्क होता है वो किस चीज का होता है आपको भी पता होगा, सेंटर लॉकिंग का, है ना भैया? वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है गाड़ी में, तो भैया ने वो भी कर दिया। उसके साथ साथ अगर बात करी जाए भाई की और क्या क्या हो सकता था गाड़ी में, तो बहुत कुछ होता है। एक स्विफ्ट ऐसी गाड़ी है जितनी गाड़ी उतनी खर्च कर सकते हो आप, उतना ही बढ़िया चीज होता है। हेडलाइट, टेल लाइट, बहुत सारे आइटम आता है जो। तो जैसे कि ललित भैया, जैसे हमारे पास अभी गाड़ी खड़ी हुई है अपनी प्रॉपर बेस है ना LXi। तो अगर हम कोई भी गाड़ी अपनी LXi लेके आते हैं तो उसमें जैसे अपनी स्विफ्ट होगी, पहले स्विफ्ट की बात कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास स्विफ्ट है फिलहाल। तो स्विफ्ट में भैया कितने तक का खर्चा आ जाएगा, मतलब पावर विंडो से लेके और अपने ऑटोमेटिक क्रूज कंट्रोल्स हो गए और बाकी सब स्टीरियो वगैरह, टोटल तामझाम जितना भी होता है सब कुछ, ये आप लगा लो 70-80 हजार में आपको टॉप का बन जाएगा। 70-80 हजार रुपए में टॉप का बन जाएगा, हेडलाइट वगैरह सब लग जाएगा उसमें। हाँ, सीट वगैरह, सीट कवर वगैरह सब कुछ इंस्टॉल हो गए। और बाकी एक चीज मैं बता देता हूँ भाई, एंड्रॉइड ही नहीं अपना, बाकी अपने स्पीकर भी भाई चारों इंस्टॉल हुए हैं जैसे मैंने आपको दिखाया था, वो भी JBL के अपने 350 वॉट्स के, है ना भैया? इसकी कॉस्टिंग कितनी आ जाती है स्पीकर की? स्पीकर JBL जो स्टार्टिंग होता है जी 2250 रुपए। 2250 की। और एंड कितने तक जाता है इसका? म्यूजिक सिस्टम में कोई एंड नहीं है। कोई एंड नहीं है। 5 लाख 10 लाख कितना भी खराब, मेरे पास कम से कम 3 लाख रुपए का सिस्टम लग रहा है। 3.5 लाख रुपए का सिस्टम लग रहा है इसमें। तो भाई इसमें हो रहा है अपनी में सिस्टम अपग्रेड। ये भी अपनी ललित कार्स के पास ही खड़ी है फॉर्चूनर।
नॉर्मल वाली अपनी 2018-19 में जो आती थी, और बाकी गाड़ी का लुक वगैरह आप देख लो, मतलब टॉप से बिल्कुल भी कम नहीं है, बस एक स्टेयरिंग की और एक मीटर की इसमें कमी रह गई है, बाकी बाहर से अपने क्रोमिंग का टोटल काम हो चुका है, पिलर लाइट्स वगैरह सब कुछ हो चुकी है। तो भैया इस गाड़ी में कितना खर्चा आ गया? इन गाड़ी में आया जी इनका 42,000 रूपए खर्चा है। 42,000 रूपए का? अगर कोई वीडियो देख के आता है तो और डिस्काउंट दिया जाएगा, 2-3 हजार रूपए का डिस्काउंट मिलेगा? नहीं मिलेगा, बिल्कुल प्रॉपर मिलेगा भाई साहब। वीडियो वाले से हम ज्यादा प्यार करते हैं, और हमारे कस्टमर जो होता है ललित कार का एसेसरी का, उसको हम बहुत इज्जत भी देते हैं, और सबसे बड़ी बात है हमारा सर्विस बहुत बढ़िया है। जी 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 जी, जो कल के ये नहीं कोई कम्प्लेट लेके आता था पहले आप लाइन में खड़े हो जाओ बाद में, नहीं, हम पहले उनका सुनते फिर नया गाड़ी वाले काम। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ भाई, इस गाड़ी में जितना भी काम हुआ ना सब कुछ वारंटी के अंदर है ना भैया? बिल्कुल, कपड़ा टू कपड़ा, कहीं से कोई तार कटे उसकी जिम्मेवारी हमारी है। जो भी अगर कुछ भी होता है गाड़ी में तो उसकी जिम्मेवारी भैया की है। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना भाई सारे, और इतना नॉर्मल काम था इसमें, ज्यादा कुछ भाई का ऐसा कोई बजट नहीं था, जितना बजट में काम था वो सारा भाई ने करवा दिया। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो कि फिर से अपनी ललित कार एसेसरीज की होगी। तो तब तक के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मिलते हैं भाई, ओके बाय।